अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी, कल मैंने आपसे जैसा जिक्र किया था कि मैं एक ऑयल रेडी करती हूँ। ये मुझे यहाँ पे मेरी सौदन थी, बहुत बूढ़ी ज़हीफ अम्मा थी, उन्होंने मुझे बताया था इस ऑयल के बारे में। मेरे यानी जॉइंट्स में दर्द हो, कमर में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, तो उसके लिए चीज़ें हमें जो चाहिए ना, वो देखें, अदरक लेना है। अदरक को ना छीलना नहीं है, उसके छिलके के समेत उसको बारीक कर लेना है कद्दूकश। हल्दी एक चमचा, लौंग एक चमचे, मेथी दाना एक चमचा, कलौंजी एक चमचा और नमक एक चमचा भर के, और ये एक कप जैतून के तेल। ठीक है, ये पैन मैंने ना इसलिए आपको गंदा लगेगा कि मैंने ये स्पेशल इसी के लिए रखा है अलग से। ये जाएगी कलौंजी इसके अंदर। इन सब चीज़ों को ना इसके अंदर आपने जलाना है अच्छे से। फिर उसके बाद इसको छोड़ना है कोई 5 मिनट के लिए, जैसे किसी जार में अगर आपने डालना है तो ठंडा हो जाए। कप आप बड़ा भी ले सकते हैं, ये अच्छे से जल जाएंगी इसके अंदर चीज़ें ना। इसका बहुत फ़ायदा होता है ऑयल का, हमारे घर में तो बहुत इस्तेमाल होता है। कोई चोट लग जाए, कोई कमर में दर्द निकल जाए, मस्कुलर पेन हो, तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत ज़ईफ़ अम्मा थी जिन्होंने मुझे बताया था, अरबी थी अम्मा ना उनके, वो मेरी ना। ये देखें ये पक रहा है ऑयल अच्छे से, ये पकेगा तो फिर इसको मैं छान लूँगी। मेरी बड़ी पुरानी, बहुत पुरानी ज़ईफ़ अम्मा थी जिन्होंने ये मुझे बताया था और इस ऑयल के बारे में ना। तो ये देखें मैं आपके सामने इसको रेडी करूँगी, आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। घुटने में दर्द, घुटनों में कोई मस्कुलर पेन हो, कोई चोट लग जाए बॉडी पे, हड्डी को चोट लग जाए, तो ये बहुत मुफीद है। ये आप देखें ऑयल मेरा रेडी हो रहा है। अगर आपको धुआं धुआं लगे थोड़ा सा, तो वो आप ये नहीं समझेगा ऑयल जल गया है मेरा ना। मैं वो बखूर कर रही थी घर में, मैंने आपको लास्ट भी बताया था बखूर लाजमी घर में किया करें, उसके बहुत फ़ायदे हैं। असरात, जिन्नात, जादू, जो कुछ भी हो, सुन्नत नबी है उसको करना, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा किया जाता है यहाँ सऊदी अरब में। वो ये भी मुझे उन्हीं अम्मा ने बताया था। और आजकल जैसे कोरोना है, कोरोना में तो बहुत ज़रूरी है, मैं डेली बेसिस पे करती हूँ घर में ना, क्योंकि इससे जरासीम ख़त्म होते हैं। ये आप देखें ये मेरा रेडी हो गया, ये देख सकते हैं आप। अब इसको मैं छान लूँगी, ये जल गया अच्छे से। ये देखें इसका कलर देखें, ऑयल भी। अगर आप इसके बीच में भी छोड़ना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। हाँ, जब आप ये, मैं आपको बता दूं, जब ये ऑयल आप यूज़ करेंगे तो ये इसका कलर बहुत येलो येलो होगा, क्योंकि इसके अंदर हल्दी है। तो आप ना फिर ऊपर कोई या शीट वगैरह डाल लें, या अपनी कोई पट्टी जो भी आप बांधेंगे ऊपर, ऑयल लगा के इसको गर्म रखना है आपको। ये ऑयल लगा के जहाँ भी लगाना है पट्टी बांध लें, या कमर वगैरह पर तो पट्टी नहीं बांध सकते, वैसे भी लगा सकते हैं। तो ऊपर कोई यानी आप कुछ कोई चीज़ रख लें, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपके कपड़े ना गंदे होंगे। मैंने आपको एहतियात बता दिए, ऑयल मैंने रेडी कर लिया। ये देखें आप इसको बना के इस्तेमाल करके देखें, आपको बड़ा फ़ायदा होगा दर्दों के लिए ना। तो बस ये मेरा रेडी हो गया। बहुत सी दुआओं में याद रखें, और आपको ये इसको आप बना के ट्राई करें, और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इसका क्या, आप लोगों को क्या इसका वो बेनिफिट होगा। ठीक है, बहुत सी दुआ में याद रखें। अगर आपको ये अच्छा लगता है, पसंद आता है, मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है, बहुत अल्लाह हाफिज़ आप सबको। मुझे बहुत सी दुआ में याद रखें अपनी, मैं इसी तरह आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताती रहूँ।